दोस्त की शादी में गए वैभव की आंख सामने खड़ी लड़की कामनी की आंखों से हटी नहीं रही थी। वेटर पार्टी में सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व कर रहा था। वैभव भी ड्रिंक लेने आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही उसे अपने पिछवाड़े व थपकी महसूस हुई। वैभव ने जब पलट कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि कामनी ही वैभव को देख के मुस्कुरा रही थी। उसने भीड़ से भरे हॉल में वैभव को अपने पास आने की ओर इशारा किया। इशारा देख काम आग्नि में चल रहा वैभव चुपचाप उसके पीछे चल दिया और अगले ही पल वैभव होटल के उस कमरे में पहुंच गया जहां कामनी बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। दोनों एक दूसरे को देख किसी सांप के जोड़े की तरह एक दूसरे से लिपट गए। वैभव कामिनी की बाहों में खोता जा रहा था। कामिनी भी वैभव के बाल अपनी मुट्ठी में भींच कर अपने नुकीले नाखून वैभव की पीठ में व्यवस्थ करने में लगी थी, जिसका दर्द कामाग्नि में चल रहे युगल के सुख को और मधुर बना रहा था। कुछ मिनटों की गर्म लंबी सांसों के बाद सांसों का काफिला रुक गया। फिर दोनों अपने अपने कपड़े पहनने लगे। तभी मौका देख वैभव ने कामिनी से पूछा, क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? अगर तुम जिंदा रहे तो। इतना कहकर कामिनी मुस्कुराते हुए वैभव से दूर चली गई। दिन गुजरते हैं लेकिन मोहब्बत की तड़प रह रहकर वैभव के दिल में कसकती है। पर कामिनी से मिलने को वैभव बीमार रहने लगा था। उसका वजन दिन ब दिन कम होता जा रहा था और उसकी यौन इच्छा उतनी ही तीव्र होती जा रही थी। इस कारण ही वैभव दिन भर बस कामनी के ख्यालों में ही खोया रहता था। सपनों में ही कामनी के साथ रंगरेलियां मनाता। वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी बाहों में ही कामनी को इमेजिन करता था। दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे और हफ्ते महीनों में, और महज 3 महीनों में ही वैभव एक हष्ट पुष्ट आदमी से एक बूढ़ा कुबड़ा बन गया था। अब वैभव को कुबड़ा बने हुए 13 साल हो गए हैं और इन 13 सालों में वैभव का एक तरफा प्यार कब नफरत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसकी हालत देख दुनिया ने उसे समाज से बहिष्कार कर दिया था। लोग उसे घिन खाने लगे थे। अपने ही समाज से मिला यह अपमान बहिष्कार वैभव सहन नहीं कर पाया। वो ट्रेन की पटरी पर लेटा आने वाली ट्रेन के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि अचानक ही किसी की आवाज सुनाई दी, बड़े बुजदिल किस्म के इंसान हो तुम वैभव। वैभव ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया कि अचानक ही उसे सामने पेड़ से एक बूढ़ा गोरी उल्टा लटका नजर आया, जिसे देख वैभव ने कहा, आपको क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ तुम एक बुजदिल किस्म के आदमी हो। बूढ़िया गोरी की बात सुन वैभव गुस्से में आ गया। उसे जब खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उसने गुस्से में ट्रेन की पटरियां उठाकर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। फिर तमतमाता हुआ गोरी की ओर बढ़ने लगा। क्या कहा तूने? मैं बुजदिल? रुख, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। वैभव अभी अघोरी के पास पहुंचा ही था कि तभी अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र बुदबुदाने लगा, जिससे वैभव हवा में उड़ छटपटाने लगा। अब दिखा अपनी ताकत का नमूना मुझे। वैभव ने पहले तो उस अघोरी को खूब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकामयाब रहा तो उसने अपनी हार मानते हुए कहा, आप कौन है? और मुझे मारना क्यों चाहते? मुझे मारना क्यों चाहते? तुम दुनिया से दूर हुए हो, दुनियादारी से नहीं, और मरना तो तुम खुद चाहते थे। मैंने तो तुम्हें बचाया है, फिर तुम मुझे क्यों दोष दे रहे हो? तुम इंसान बिना हमेशा अपनी हार की वजह दूसरों को ही बताते आए हो और बताते रहोगे। अघोरी की सारी बात सुन वैभव बीच हवा में रोने लगा था। वैभव की आंखों से आंसू गिरते देख अघोरी ने उसे नीचे उतार दिया। इससे पहले कि वैभव अघोरी से कुछ कहता, अघोरी ने वैभव को संभालते हुए कहा, मुझे पता है एक डायन ने तेरे साथ संभोग कर तुझसे तेरी जवानी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली और तुझे एक कुबड़ा बना दिया।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे से प्यार करती है, वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। क्या कहा, वो डायन तेरे पास वापस आएगी? वैभव की बात सुना घोरी जोर जोर से हंसने लगा था। उसे इस वक्त वैभव पर तरस आ रहा था, पर अघोरी को खुद पर हंसता हुआ देख वैभव का खून खौलने लगा। वो गुस्से में अघोरी को लात मारने जा रहा था, लेकिन अचानक ही अघोरी हवा में अदृश्य हो गया और लात सीधी पेड़ में जा लगी और पेड़ दो टुकड़ों में टूट नीचे गिर गया। पेड़ को इस तरह से टूटता देख वैभव भी दंग था। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले उसने अपने पीछे किसी को कहते सुना, उस डायन ने भले ही तुझसे तेरी जवानी छीन लियो, पर तुझे एक वरदान से भी नवाजा है, शायद अभी तुझे इस बात का अंदाजा नहीं हुआ है। वैभव ने पीछे मुड़कर देखा तो अघोरी हवा में उसके सामने ही खड़ा था। वरदान, आप ये क्या कह रहे हैं? अघोरी की बात सुन वैभव चौंक गया था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना प्यार समझता था असल में वही इसके बुरे वक्त की वजह थी। असलियत जान वैभव का सिर फटने को हो गया था, वो गुस्से में चीखने लगा था। तभी अघोरी ने उससे कहा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अगर हिम्मत है तो जा उससे बदला ले, बर्बाद कर दे उसको। पर वो है कहाँ, मुझे नहीं पता, फिर मैं कैसे? वैभव अपनी बात पूरी करता, इससे पहले अघोरी ने कहा, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, जा मिल ले उसे, पता नहीं उसे तू याद भी होगा कि नहीं। बताओ मुझे वो डायन कहाँ रहती है, मैं अभी उसके हलक से उसकी जान खींच लूंगा। वैभव के पूछने पर अघोरी कुछ बोलने जा रहा था कि तभी उसे अपनी पीठ पीछे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया और उसके मन में ये बात भी घूम रही थी कि उसने गुस्से में पटरी उखाड़ दी थी और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। अरे खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, दिखा अपनी ताकत, पटरी को थाम कर रख, जब तक ट्रेन नहीं गुजर जाती। वैभव ने तुरंत ही रेल की पटरी को बाकी पटरियों के साथ जोड़े रखा, जब तक कि पूरी रेलगाड़ी सही सलामत नहीं गुजर गई। हजारों लोगों की जान बचाने के बाद वैभव का गोरी की बात पर यकीन हो गया था कि सच में डायन ने उससे उसकी जवानी लेकर उसमें 10 हाथियों की ताकत फूंक दी है। रेल के गुजरने के बाद वैभव ने अघोरी से उस डायन का पता पूछा। इस पर अघोरी बोला, वो डायन आज भी ताड़का वन में अनजान मर्दों के साथ संभोग कर उनसे उनकी जवानी छीन रही है। ताड़का वन का नाम सुनते ही वैभव सीधा ताड़का वन के लिए निकल गया। वो जंगल पहुंचा तो उसे वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई थी। बहुत से काले साए वैभव का खून पीने उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, मगर वैभव जरा भी नहीं डरा। वो बस कामिनी को ढूंढता जंगलों में भटक रहा था कि अचानक ही उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई थी। वैभव ने जब पास जाकर देखा तो कामिनी किसी गैर मर्द के साथ संभोग लीला में व्यस्त थी। कामिनी के चेहरे पर कामुकता के भाव देख वैभव का खून खौल गया। वो तुरंत ही उससे मैं कामिनी के पास गया और उसके ऊपर से उस गैर मर्द को पकड़ कहीं दूर पटक दिया। कामिनी भी वैभव को देख सब कुछ समझ गई थी। कामिनी अभी भी उतनी ही जवान और कमसिन थी। उसने वैभव को फिर से अपनी अदाएं दिखानी शुरू कर दी। कामिनी वैभव के जिस्म को छू उसे उत्तेजित करती जा रही थी, पर वैभव का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जब कामिनी वैभव के बहुत करीब आ गई तो वैभव ने कामिनी को गर्दन से पकड़ से हवा में उठा दिया। बोल, क्यों किया तूने मेरे साथ? मुझसे मेरी जवानी छीन, मुझे कुबड़ा बना दिया। मेरी हालत देख, दुनिया मुझे नकारती नहीं और मैं पागल तुझसे बेइंतहा प्यार करता रहा, और मैं तो तेरे लिए बस एक रात का मजा था और कुछ नहीं। इतना कहकर वैभव ने कामिनी को खुद से दूर धकेल दिया। कामिनी भी वैभव से आजाद होकर अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का उच्चारण करने लगी और ताड़का के जंगल में बसे सभी शैतानी ताकतों का आह्वान कर उन्हें अपने वश में कर लिया और एक के बाद एक शैतानी ताकतों के साय को वैभव पर छोड़ दी जा रही थी। तू इसी लायक है, पर मैं चाहती तो तुझे उसी रात खत्म कर देती।
पर तेरी आंखों में मासूमियत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ गया था। कामिनी गुस्से में वैभव से कहती हुई अपने काले सायों से उसके जिस्म को चीर रही थी, पर वैभव ने भी हार नहीं मानी। वो भी पूरे जी जान से उन काली शक्तियों का डटकर सामना कर रहा था। पर मेरे लिए वो एक रात का मजा नहीं था, मैं तुमसे प्यार करने लगा था। तुम्हारी दी हुई इस एक रात के सारे मेरे कई साल गुजारे हैं, और शायद मैं उन्हीं यादों के सारे चैन से भर भी जाता। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारा तो ये पेशा है, तुम ऐसे ही मर्दों के साथ संभोग करके उनकी जवानी छीनती उनसे, तब मेरा प्यार मेरा बदला बन गया, और यही बदला मैं तुमसे लेने आया हूँ। वैभव में 10 हाथियों का बल था, जिससे वो वापस कामिनी की गर्दन तक पहुंच गया और उसका गला दबाने लगा, उसकी सांसें छीनने लगा। पर कामिनी ने भी हार नहीं मानी थी। उसने अपनी एक आखिरी चाल चली और ताण का वन के पेड़ों को अपने वश में कर उसने वैभव पर हमला करवाया। पेड़ों के हमले से वैभव की छाती में नुकीली उकीली लकड़ियां आर पार घुस चुकी थी, जिनसे बेतहाशा खून निकल रहा था। पर ताण का वन के पेड़ जितना वैभव को चोट पहुंचा थे, वैभव कामिनी की गर्दन पर उतनी अपनी पकड़ मजबूत कर देता। कामिनी के जिस्म में अब बस चंद सांसें बाकी थी, जिन्हें समेट कामिनी ने मुस्कुराते हुए वैभव से बस इतना कहा, शुक्रिया वैभव। और कामिनी दुनिया छोड़कर चली गई। वैभव भी कामिनी की खुली आंखों को बस एकटक देखे जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अपने प्यार को देख रहा हो। बस वैभव के साथ फर्क इतना था कि उसने अपने एक एक तरफा प्यार को खुद मारा था। वैभव की आंखें नम थी और तभी उसने अपने पीछे से किसी को कहते सुना, शुक्रिया वैभव, तुम्हारा एहसान मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। वैभव ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि पीछे वही अघोरी खड़ा था जिसने उसे कामिनी का पता बताया था। अघोरी, तू तो तूने मेरे से ये सब जानबूझकर करवाया? नहीं वैभव, जिस कामिनी से तुम प्रेम करते हो उसी कामिनी से मैं भी प्रेम करता था, और असल में उसका नाम कामिनी है भी नहीं, बल्कि वो तो कामयण काल से इसी जंगलों की एक राक्षसी है, त्रिमुंडा, जिसे वरदान था कि वो संभोग से किसी की भी जवानी छीन सकती है। पर ये भी शाप था कि जिससे वो जवानी छीनेगी उसमें 10 हाथियों का बल आ जाएगा। अघोरी से कामिनी की पिछली कहानी जान वैभव सोच में पड़ गया। अगर आप भी कामिनी से प्यार करते थे तो आप में भी 10 हाथियों का बल होगा, तो फिर कुबड़े क्यों नहीं बने, और आपने उसे किसी और के साथ सोने क्यों दिया, बोलिए। क्योंकि मैं अघोरी विद्या जानता था, मुझे पता था कि डायन के श्राप से कैसे मुक्त होना है, और रही बात त्रिमुंडा के किसी और के साथ सोने की, तो मैं शुरू से ही बहुत बुरा लगता था, खुद से घिनाती थी। पर मैंने अपने गुस्से को मकसद दिया, कामिनी जिसके साथ भी संभोग करती उसे 10 हाथियों का बल मिल जाता, उसके बाद मैं उसे जान से मारने का काम करता था, और कामिनी भी यह बात जानती थी। फिर तो तुम मुझे भी मारने आए होगे? हाँ आया था, पर जिस तरह से मैंने तुम्हें कामिनी को याद करते हुए देखा, मुझे मेरे दिन याद आ गए थे, वही शिद्दत वही पागलपन, इसलिए मैंने तुम्हें कामिनी को मारने के लिए कहा, और तुमने कामिनी को मुक्ति दे दी। वैभव अघोरी से कामिनी की सारी कहानी जान चुका था। उसने मुस्कुराते हुए अघोरी से बस इतना ही कहा, कामिनी मरी नहीं है, वो आज भी जिंदा है हमारे दिल में, और हमेशा जिंदा रहेगी। और ताण का वन की अंधेर भरी दुनिया में वैभव कहीं खो गया। तो अगर कल को आपको ताण का वन में कोई कुबड़ा शख्स दिखे तो बगल से गुजर जाना, उसे परेशान करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज भी उसमें 10 हाथियों का बल है। डर से भरी ऐसी कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टोरो टीवी हॉरर हिंदी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें दुनिया वाले, तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह कपा देने वाली कहानी आपकी हो।